बीती रात यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले भील गांव के हनुमान मंदिर प्रांगण में एक व्यक्ति की लाश बरामद होने से परिसर में खलबली मच गई। इस व्यक्ति की पहचान रवि मनोहर धांडे भंडारा निवासी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब पीने के बाद हुए विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिए जाने की जानकारी है। बीती रात यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत भीलगांव स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे परिसर में खलबली मच गई थी। आखिरकार इस व्यक्ति की पहचान हो गई है। इस व्यक्ति की पहचान रवि मनोहर धांडे भंडारा निवासी के रूप में हुई, जो कि खैरी ईटा भट्टी जूना कामठी परिसर में रहता था और एक ईटा भट्टी पर मजदूर के रूप में काम करता था। बताया जाता है कि उसके साथ ही काम करने वाले मित्र ने अपने एक अन्य साथी की मदद से शराब पीने के बाद हुए विवाद के बाद हत्या कर उसके शव को हनुमान मंदिर के सभागृह में फेंक दिया था। काल दिनांक 1/12/2022 रोजी सकाळी 8:30 सुमारास पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की भीलगाव येथील हनुमान मंदिर येथे एक इसम पडलेला आहे। त्यावरून पोलीस पथक तिथे गेलं। आमचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिथे भेट दिली तेव्हा तिथे एक इसम पडलेला आढळून आला। त्याला पुढील उपचाराकरता मी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आलं। तो मृत झालेला होता। त्यावरून आमच्या तपास पथकाने अतिरिक्त माहिती तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे माहिती घेतली असता त्यात एक इसम आढळून आला, ज्याचं नाव माहिती केलं आणि त्याला ताब्यात घेण्यात आलं। सदरची घटना ही खैरी बीट भट्टा जुनी कामठी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आरोपी आणि मृतक हे वीट भट्ट्यावर काम करत होते। त्यांचे दारू पिण्याचे सवयीचे होते आणि घटनेच्या दिवशीसुद्धा त्यांच्यामध्ये दारू पिण्याच्या कारणावरून वादविवाद झालेला होता। अधिक तपास सुरू आहे, नेमकं कारण माहिती आलेलं नाही। अशा रीतीने तो गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। त्यामध्ये आतापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली। इसके बाद दुपहिया वाहन पर डालकर भीलगांव स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रांगण में डालकर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार सुबह जब 7:30 बजे मंदिर का पुजारी शुभम रामकृष्ण मिश्रा दीक्षित कॉलोनी कपिल नगर निवासी हर दिन की तरह पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे, तब उन्हें मंदिर परिसर में यह शव दिखाई दिया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी मंदिर के ट्रस्टियों को दी गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और भारतीय दंड विधान की धारा 302-201 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।